यार अगर आप लोग अकाउंटेंसी क्लास 12th में अच्छा स्कोर करना चाहते हो ना, तो उसके लिए आप लोगों के पास कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आज मैं आपको 12 ऐसे टॉपिक्स बताने वाला हूँ जो कि आपके अकाउंटेंसी एग्जाम में यूजुअली रिपीट होते ही होते हैं। सो माय नेम इज सर सापर, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएटेड टीचर एंड लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आपके एग्जाम में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो गए, इस टाइप के क्वेश्चन इस साल बहुत ज्यादा आने वाले हैं। तो काफी सारे स्टूडेंट्स मेरे से बोल रहे थे कि सर हमें बता दो कोई ऐसी बुक जिसके अंदर हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल जाए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मिल जाए, ज्यादा ज्यादा हम लोग कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन वहां से कर पाए, एमसीक्यूज कर पाए। तो भाई एक बुक है आप लोग लिए, मैं लेके आया हूँ ऑसवाल्ड गुरुकुल की 36 सैंपल क्वेश्चन पेपर। ये मैंने खुद से सारे पेपर सॉल्व किए हैं, एक एक सैंपल पेपर सॉल्व किया है। बहुत सही चीज है ये, अगर आप लोग डेली एक सैंपल पेपर भी कर लोगे डेफिनेटली आपका अकाउंटेंसी का स्कोर है जो मैक्सिमाइज हो जाएगा। इसमें अकाउंट्स के साथ साथ इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, इंग्लिश, सब चीजों के सैंपल पेपर है, हर एक सब्जेक्ट के जो कि कॉमर्स स्टूडेंट के पास हो सकता है, सारे सब्जेक्ट इसके अंदर इंक्लूडेड है एक बुक के अंदर। ठीक है, कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी बुक है ये, मैं आपको दिखाता हूं किस टाइप से क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं। देखो बच्चों, इस टाइप से क्वेश्चन इसमें रहते हैं सैंपल पेपर में। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया है, आपको आंसर मिलेगा, आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगी हर एक आंसर के अंदर ताकि आपको समझ जाए। डेफिनेटली अगर आप लोग सैंपल पेपर सॉल्व करोगे तो आपका स्कोर मैक्सिमाइज होगा ही होगा। ठीक है, इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जाके आप लोग इसकी फिजिकल कॉपी अपने घर पे मंगा सकते हो। बहुत सही चीज है, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट आपके इंक्लूडेड है, एक ही बुक से आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। अब आते हैं बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ। सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है पास्ट एडजस्टमेंट्स। पास एडजस्टमेंट से क्वेश्चन आता ही आता है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में। जनरल एंट्री आपको पास करनी होती है, साथ में आपको स्टेटमेंट बना के दिखानी होती है कि कैसे आपने चीजों को एडजस्टमेंट में लिया है। समझे मेरी बात को, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे बेस अगर आप लोग 3 से 4 क्वेश्चन भी कर लोगे डेफिनेट है कि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों गुडविल से रिलेटेड, फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल आता है, कई बार थ्योरी क्वेश्चन आ जाता है गुडविल से रिलेटेड, कई बार कैपिटलाइजेशन मेथड पे क्वेश्चन आता है। दोनों में से एक चीज यूजुअली आप लोग के एग्जाम में रिपीट होती ही होती है। तो आप लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल को पढ़ लो, समझ लो, याद कर लो, साथ में कैपिटलाइजेशन मेथड के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करो, चाहे वो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट है या वो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट है, दोनों में से किसी पे भी बेस्ड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। दोनों के दोनों टॉपिक्स आपको अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, इन टॉपिक्स को पहले प्रिपेयर कर लो, बाकी टॉपिक्स को भी आप साथ साथ प्रिपेयर करते रहना, लेकिन इनको सुपीरियर प्रायोरिटी दो, इन टॉपिक्स को, इन टॉपिक्स को पहले प्रिपेयर करो। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाले क्वेश्चंस, वो चाहे एडमिशन के हो चाहे वो रिटायरमेंट के हो, दोनों के आपको अच्छे से करने हैं। आपके एग्जाम में चॉइस आती है एडमिशन के क्वेश्चन में या रिटायरमेंट के क्वेश्चन में, लेकिन आप दोनों की अगर प्रिपरेशन करके चलोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी एग्जाम के अंदर। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाले क्वेश्चन एडमिशन के और रिटायरमेंट के। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस पे बेस्ड आप लोग जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा आपका स्कोर मैक्सिमाइज होगा। इस चैप्टर में आप थ्योरी करो, आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन करो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करो, सब चीजें इस चैप्टर से आपके इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट। ये आपका बेसिकली इश्यू ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन है, इश्यू ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन है। इसके अंदर बेसिकली क्या करना होता है, आपको शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करना होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको अच्छे से क्वेश्चन को करना है, इसके बेस्ड बहुत ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, तब जाके आपका जो स्कोर है मैक्सिमाइज होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों इश्यू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश। जब भी हम इश्यू ऑफ शेयर्स करते हैं अदर देन कैश, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अदर देन कैश वाले टॉपिक ज्यादातर आते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। शेयर्स को जब भी हम लोग इश्यू करते हैं प्रीमियम पे, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली आपको देखने को मिलते हैं। तो 4 से 5 क्वेश्चन भी कर लोगे अगर प्रीमियम वाले तो डेफिनेट है आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। 8th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। डिबेंचर को जब भी हम कोलेटरल सिक्योरिटी लिए देते हैं बैंक में, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है, जनरल एंट्रीज आती है और बैलेंस शीट आता है, दोनों के दोनों चीजों को आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। जो भी लॉस ऑफ इश्यू ऑन डिबेंचर होता है उसको कैसे राइट ऑफ किया जाता है आपको पता होना चाहिए। 10th इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं आपको पता होना चाहिए। 4 से 5 ऑब्जेक्टिव्स लर्न कर लोगे, मोर देन इनफ हो जाएगा आप लोग एग्जाम के लिए। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि ना आपका जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है ना, उसमें यूजुअली डेप्रिसिएशन बेस्ड क्वेश्चंस ही आते हैं, असेट बेस्ड क्वेश्चंस ही आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में देखने को मिलते हैं। पूरी की पूरी आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी होती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट से मुझे याद आया, मैंने एक ट्रिक बनाई थी कैश फ्लो स्टेटमेंट को याद करने के लिए, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा। एक ही बार में आपको पूरी की पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट लर्न हो जाएगी। अब जो कैश फ्लो स्टेटमेंट से बच्चों क्वेश्चन आते हैं वो डेप्रिसिएशन वाले होते हैं, एक असेट दिया होता है आपको, उसको बेच देते हैं वो क्वेश्चन में और आपको बोलते हैं इस पर बेस्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ, और आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन होती है। 12th
जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चे वो है रेशियो से लेके अकाउंटिंग रेशियो। देखो वैसे तो सारे के सारे रेशियो इम्पोर्टेंट है, लेकिन कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियोज मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, डेट इक्विटी रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, करंट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। इन चारों रेशियो को तो राम बाण की तरह अच्छे से पढ़ लेना, इन पे बेस क्वेश्चन कर लेना। और सारे के सारे बच्चों मैंने आपको टॉपिक बताए 12 के 12, ये सब के सब रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं इन पे बेस, इन सब के सब पे बेस आपको क्वेश्चन करने ही करने हैं। जितने ज्यादा आप लोग इन पे बेस क्वेश्चन करोगे उतने ज्यादा आप लोगों का जो स्कोर है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी डाउट बच्चों निकल के आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं डेफिनेटली आप लोगों की हेल्प करूंगा। ये सब के सब टॉपिक्स अच्छे प्रिपेयर कर लेना, कोई भी दिक्कत आ रही कमेंट करके मुझे बता सकते हो। तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि लेटेस्ट वीडियो और अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू।